हेलो भाइयों, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का स्वागत है मिस्टर धाम ने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो पर मैं आपको एक स्टीम इंजन बना के दिखाने वाला हूँ काफ़ी सिंपल तरीके से। और इसके जो पार्ट्स है वो मैंने काफ़ी मेहनत से और काफ़ी दिनों में ढूंढ के निकाले कि आपको ये आसानी से मिल जाए मार्केट में और आप भी इसको घर पर बना सकते हो। तो चालू करते हैं वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो भाई, हमारा स्टीम इंजन का सिलेंडर बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक बुश का यूज़ करूँगा और बहुत सारी जगहों पर इसे बुश भी बोला जाता है। तो ये आपको मिल जाएगा किसी बड़ी मोटर की जो रिपेयरिंग शॉप होती है वहाँ पर इजीली मिल जाता है ये, क्योंकि ये मोटर जो होती है हमारी थ्री फेज की मोटर्स होती है उनके अंदर लगा होता है। तो आप किसी रिपेयरिंग की शॉप से ख़रीद लीजिए और इसकी जो साइज़ है अपने हिसाब से ले सकते हो। आपको छोटा इंजन बनाना है, बड़ा इंजन बनाना है, उस टाइप से अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक सिलेंडर के लिए ले लिया है बुच। इसके बाद इसका जो पिस्टन बनाने के लिए यहाँ पर मैं इस टाइप का बड़ी सी एक गुल्ली का यूज़ करूँगा। इसे गुल्ली बोला जाता है क्योंकि ये ट्रैक्टर वैक्टर जो होती है उसमें देखा होगा आपने, जो ट्राली होती है उसके पीछे की साइड में जो उसको टिकाने के लिए लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे उसका पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर इसे गुल्ली ही बोलते हैं। तो इस टाइप से इसके अंदर का हमें एक पिस्टन और सिलेंडर बनाना होगा। देख सकते हो ये जो गुल्ली है इसमें थोड़ी बड़ी साइज की है, तो यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ पहले। उसके बाद इसे लेथ मशीन की शॉप पर ले जाना होगा जहाँ पर वो आपको 30 या 40 रुपए में इसका जो पिस्टन है वो बना के दे देगा। तो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ किस टाइप से आपको एक पिस्टन बनाना है, वो आप पहले देख लीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो आप अगर इस मिस कर देते हो स्किप करके तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे विशाल भाई हमारा स्टीम इंजन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं लेथ मशीन पर गया था और वहाँ पर इस टाइप से मैंने एक पिस्टन बनाया अंदर की साइड का। तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक मैंने इसकी लंबाई रखी है। और पीछे की साइड में यहाँ पर देख सकते हो एक मैंने बटन टाइप का लगाया है यहाँ पर, इस टाइप से लगाया नहीं, ये इसी के साथ में मैंने कट करवाया था, ठीक है, लेथ मशीन वाले से कट करवाया था। तो यहाँ पर हम इसको कहाँ पर यूज़ लेंगे वो आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। तो अब लेने के बाद क्या होगा कि इसके ऊपर बहुत बारीक बारीक इस पर लाइनें बनी होंगी जो हमारे पिस्टन और सिलेंडर को बिल्कुल जाम कर देगी। तो आपको क्या करना है, सबसे बारीक वाला यहाँ पर सैंड पेपर लेना है। यहाँ पर 120 नंबर का मैं सैंड पेपर यूज़ कर रहा हूँ और इस टाइप से इसको घिस दीजिए ऊपर से, जो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा यहाँ पर, जिसके कारण ये हमारे सिलेंडर के अंदर जब रन करेगा तो काफ़ी स्मूथली रन करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा आपको दिख रहा है सिलेंडर, इसको भी अंदर से बिल्कुल स्मूथ करना है आपको, वरना ये अंदर जाम चलेगा तो बिल्कुल भी हमारा वर्क नहीं करेगा। बिल्कुल स्मूथली अंदर रन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको बनवाते हो, ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि इसके अंदर ज़्यादा गैप ना हो। अगर ज़्यादा गैप होगी तो इसके अंदर से स्टीम बाहर निकल जाएगी और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं इस टाइप से इसको ऊपर से गिराता हूँ तो काफ़ी आराम से नीचे गिर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर हम ऊपर से वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, जैसे नीचे से मैं इसको पैक कर देता हूँ बिल्कुल इस टाइप से यहाँ पर देख सकते हो, और ऊपर से गिराता हूँ तो नीचे इसमें एयर निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं, इसलिए बिल्कुल स्लोली स्लोली नीचे गिर रहा है, देख सकते हो। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी क्रैंकशाफ्ट, इसका फ्लाई व्हील बनाने के लिए यहाँ पर मैं सिलाई मशीन जो होती है उसका यूज़ करूँगा। पुरानी सिलाई मशीन का आप यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर से सारे पार्ट्स निकल जाएंगे। अगर आपके पास पुरानी सिलाई मशीन नहीं है तो आप अपने मार्केट में ढूंढ लीजिए जहाँ पर सिलाई मशीन को रिपेयर किया जाता है, वहाँ पर आपको ईजिली ये सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो देख सकते हो ये जो साइड में चक्का लगा होता है एक, वो आपको यूज़ करना है। और इसी चक्के से एक शाफ्ट लगी होती है जिसे आर्म शाफ्ट बोला जाता है हमारी सिलाई मशीन के अंदर। और अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो इसे हम क्रैंक शाफ्ट बनाएंगे यहाँ पर हमारे इंजन की। देख सकते हो ये इतनी लंबी होती है यहाँ पर, और ये आपको सिलाई मशीन के अंदर से ही मिल जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हो एक कर्व टाइप का मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसी कर्व के पास में यहाँ पर ये वाली एक शाफ्ट मिलेगी आपको, तो ये वाली भी आपको लेनी है इसके अंदर से, ठीक है, जिसमें हमारा पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। तो ये जो आप देख सकते हो ऊपर कर्व टाइप का दिख रहा है आपको, ये हमारा मेन भाग है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे इसको रन करने के लिए काम आएगा। तो इसकी काफ़ी लंबी साइज है, तो यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ थोड़ा इसको हेक्सा ब्लेड के द्वारा। तो देख सकते हो मैंने दोनों साइड से बराबर इसको कट कर लिया, एक तरफ से तो ऑलरेडी कटा हुआ था, दूसरी साइड से मैंने इसको बराबर कट कर लिया है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इसमें दोनों साइड में बेयरिंग लगा दूंगा ताकि स्मूथली रन कर सके। अगर बेयरिंग नहीं लगाएंगे तो ये जाम चलेगा और हमारे इंजन स्पीड नहीं पकड़ पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर इस टाइप के बेयरिंग आपको यूज़ करने होंगे, क्योंकि इसकी जो साइज़ है आप अपने हिसाब से देखना, क्योंकि जो हमारी सिलाई मशीन होती है उनके जो शाफ्ट है
जो क्रैंकशाफ्ट है वो मोटी आती है, बहुत सारे में पतली आती है, तो उस हिसाब से आप अपने क्रैंकशाफ्ट को ले जाना और इस हिसाब से लेके आ जाना यहाँ पर। तो देख सकते हो मैंने दोनों साइड में यहाँ पर इस टाइप से बेरिंग को लगा दिया है काफ़ी अच्छी तरीके से, अच्छे से ठोक के इनको फंसा दीजिए यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसका फ्लाई व्हील जो है, चक्का जो है, इसको यहाँ पर फिट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको फिट कर देता हूँ। तो इसको फिट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो ये वाइसर और नट बोल्ट इसी के साथ में लगे होते हैं, तो ये भी आपको लेने हैं इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा बिल्कुल टाइट हो चुका है और ये काफ़ी अच्छे से रन कर रहा है। तो गाइस अब यहाँ पर इसका प्लेटफॉर्म बनाएंगे, तो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर मैं प्लाईवुड का यूज़ करूँगा। आप MDF बोर्ड का यूज़ मत करना क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है पानी के अंदर। तो यहाँ पर जो ये देख सकते हो प्लाईवुड का मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका प्लेटफॉर्म और दोनों आर्म बनाने के लिए यहाँ पर। तो इस टाइप से इस प्लाईवुड का यूज़ कर सकते हो या फिर लकड़ी के बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर कोई प्लास्टिक शीट होती है मोटी वाली उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप मैं क्या कर रहा हूँ, बेरिंग यहाँ पर फिट करूँगा दोनों आर्म्स के अंदर। तो ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको मिडल पॉइंट में इसको लगा दीजिए, थोड़ा बहुत तो आपको भी आता ही है टेक्नोलॉजी, तो आप भी अपना माइंड लगा सकते हो और लगा सकते हो इसको फिक्स। तो गाइस फाइनली देख सकते हो दोनों साइड में मैंने होल कर दिए इस टाइप्स के। तो अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, किसी मिस्त्री के पास जा सकते हो जहाँ पर फर्नीचर का काम होता है और वहाँ पर आप इस टाइप के होल करवा सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर मैंने दोनों होल करने के बाद इसको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं कस देता हूँ इस टाइप से दोनों को। और अब यहाँ पर जो हमारे क्रैंक शाफ्ट है और जो दोनों बेरिंग थे, इन दोनों बेरिंग को यहाँ पर इस टाइप से लगा देता हूँ मैं। और ध्यान रखना आपको कि ये बिल्कुल लेवल में होना चाहिए, वरना लेवल में नहीं होंगे तो ये टाइट घूमेगा और बिल्कुल फ्रीली मूव नहीं करेगा। और आपको ध्यान रखना है बिल्कुल ये फ्री घूमना चाहिए। इसके बाद जो हमारी सिलेंडर और जो हमारा देख सकते हो पिस्टन जो है इसके अंदर यहाँ पर इस टाइप से रन करेगा। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि इस टाइप से ये वर्क करता है। तो जब इसके अंदर स्टीम छोड़ते हैं तो जब प्रेशर लगता है तो ये जो हमारा पिस्टन जो है पीछे की साइड में धक्का लगता है इसको, तो ये हमारा इस टाइप से जाता है। लेकिन अगर हम इसमें डायरेक्ट पिन लगा देते हैं या फिर कोई वायर लगा देते हैं, वायर नहीं इसमें पाइप लगा देते हैं, तो ये पीछे की साइड में ही धक्का रहेगा, इसमें आगे की साइड में वापस आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमें एक वाल्व की ज़रूरत होगी जो इसमें क्या करेगा, जब ज़रूरत पड़े उस टाइम पर हमारा प्रेशर लगाएगा, और जब ज़रूरत ना हो तो हमारे जो पिस्टन और जो सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है उसको बाहर फेंक दे। तो इसके लिए हमें एक वाल्व की ज़रूरत होती है। गाइस यूट्यूब पे बहुत सारों ने ऐसी वीडियोज़ भी बना रखी है, एक अंकल जी है जिन्होंने बनियान पहन के बनाया था वीडियो, उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें टोटली वो फेक वीडियो है और उन्होंने 14 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं यार, गजब है यार। लेकिन जो रियल वीडियोज़ बनाते हैं उनके ऊपर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर उनको बात छोड़िए, चलो अब यहाँ पर हमारे टॉपिक पे आते हैं हम। तो यहाँ पर मैं एक गाइड और लाइनर का यूज़ करूँगा, ये आपको मोटरसाइकिल का इंजन जो होता है उसके अंदर से मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, या तो पल्सर बाइक का लेना है या फिर डिस्कवर बाइक का लेना है, क्योंकि पल्सर और डिस्कवर बाइक जो होती है उन दोनों के अंदर जो ये गाइड और लाइनर जो दिख रहा है आपको, ये काफ़ी लंबी साइज का मिल जाता है, और दूसरी बाइक का लोगे तो इसमें छोटा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से सील होता ही है, इसके अंदर से कोई जो प्रेशर वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इससे हम यहाँ पर एक वाल्व बनाएंगे जो इसका प्रेशर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी जब देगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पर बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर ऊपर के साइड में जो आपको दिख रहा है इस टाइप का ये बटन टाइप का, इसको कट कर देते हैं हम यहाँ पर, इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और गाइस थोड़ी वीडियो लंबी है क्योंकि यार वीडियो में मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा समझाऊँ इसलिए, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं इस टाइप का एक नट लगा रहा हूँ, यहाँ पर बोल्ट लगा रहा हूँ, यहाँ पर नट बोल्ट जो भी है इसको इस टाइप से लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक स्प्रिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको नट लगा के दिखाया है इसको मैं बाद में खोल दूंगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बस एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ कि इस टाइप से हमारा वर्क करेगा। तो ये जो गाइड और लाइनर दिख रहा है इस टाइप से हमारा अंदर साइड में मूव करेगा और अंदर बाहर होएगा जब हमारा इंजन को प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पर हमें होल करना होगा गाइड और लाइनर दोनों के बीच के अंदर। तो यहाँ पर होल कर देंगे हम इसमें, और होल करना आपको बिल्कुल सीधा है, और ऐसा होल करना है कि मतलब ना तो गाइड और लाइनर फटे हमारा, बिल्कुल पतला वाला छोटा सा। तो आपको क्या करना है, ये लेथ मशीन वाले के यहाँ पर करवा लीजिए, या फिर कोई वेल्डिंग का काम करता है वहाँ पर आप करवा सकते हो इसको। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस टाइप से होल कर दिया इसके अंदर, और बिल्कुल परफेक्ट होल करना है आपको।
इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इसमें लाइनर में भी मैंने कर दिया है और गाइडर में भी मैंने कर दिया है, और इस टाइप से हमारा अंदर साइड में फ्रीली मूव होना चाहिए, बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, जाम नहीं चलना चाहिए इसके अंदर। और जब ये दोनों होल तीनों होल मिलेंगे तो अब हमारा जो पिस्टन है और सिलेंडर है उसके अंदर प्रेशर जाएगा और वो पीछे की साइड में धक्का खाएगा। तो ये जो हमारा देख सकते हो आप सिलेंडर है, इसके अंदर भी हमें होल करना होगा ताकि हम इसके अंदर प्रेशर भेज सकें। तो यहाँ पर मैं होल कर देता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पर हमारा होल हो चुका है इस टाइप पर, इस जगह पर। अब हमें क्या करना है, जो हमारा लाइनर है नहीं गाइडर जो है हमारा, ये इसे गाइडर बोला जाता है, और जो लंबी स्टिक टाइप का जो है उसे लाइनर बोला जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पर इसको फिक्स करेंगे, लेकिन इसमें हमें एक ट्यूब भी डालनी होगी ताकि इधर उधर सरके नहीं। तो यहाँ पर एंटीना जो होता है, जैसे पुराना रेडियो देखा होगा आपने बहुत सारी बार, तो उस रेडियो के अंदर से एक पतला सा पाइप टाइप का निकलेगा इस टाइप का, उसको ले लीजिए, उसका एक टुकड़ा कट कर लीजिए आप 1 सेंटीमीटर का, और इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारे गाइडर और जो हमारा सिलेंडर है उन दोनों को लगाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप से मैं लगा रहा हूँ, और ध्यान रखना अंदर की साइड में नहीं निकलना चाहिए, बस हल्का सा टच होना चाहिए, ठीक है, वरना अंदर साइड में निकल गया ये तो हमारा जो लाइनर है उसको टच करेगा और उसको जाम कर देगा, और जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर से थोड़ा बहुत निकल जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो पिस्टन है वो आगे की साइड में रन करेगा, पीछे की साइड में इतना नहीं आएगा। अब एरोलाइट में यूज़ कर रहा हूँ, एरोडाइट बोलते हैं इसको, एरोलाइट भी बोलते हैं, अगर जल्दी जल्दी बोला जाए तो एरोलाइट बोलता हूँ मैं जल्दी जल्दी में। तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करके इसको अच्छे से चिपका देंगे, और ध्यान रखना इसको चिपकाने के बाद लगभग इसे 1 से 2 दिन तक छोड़ना होगा आपको, क्योंकि गाइस मैंने जब इसको बनाया था तो लगभग आप समझ सकते हो मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था। इसका कारण ये है कि इन सभी को चिपकाने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा लाइनर है इसमें जो होल किया है उसे आगे साइड में लगभग 0.5 सेंटीमीटर छोड़ के हम यहाँ पर इसकी घिसाई कर देंगे इस टाइप से। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको घिस दिया, ये इसलिए घिसा है क्योंकि देख सकते हो होल जो है हमारा, ये हमारा प्रेशर को अंदर की साइड में भेजेगा, लेकिन जो हमारा कटिंग जो की थी वो हमारा बाहर की साइड भेजेगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक शीट ले रहा हूँ यहाँ पर, आप कोई सी भी शीट ले सकते हो, एल्यूमिनियम की ले सकते हो, कॉपर की ले सकते हो, जो आपको मिल जाती वो वाली ले सकते हो, लेकिन लोहे की मत लेना, लोहे में जंग लग जाएगा। और ये जो आपको कॉपर की शीट है, आपको इलेक्ट्रॉनिक जो सामान मिलते हैं वहाँ पर इजीली मिल जाएगा, जैसे घर की वायरिंग की जाती है वहाँ पर इजीली मिल जाएगा। आपको अर्थिंग की प्लेट लेके आनी, वहाँ पर बोलना है कि मुझे अर्थिंग की प्लेट चाहिए तो वो आपको इजीली दे देगा ये वाली प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम हल्का सा टुकड़ा कट करके यहाँ पर लगाएंगे, और अगर आपको इतना बड़ा नहीं लेके आना है तो आप छोटा सा भी लेके आ सकते हो, और छोटा नहीं मिलता तो आप एल्यूमिनियम का भी लगा सकते हो, आपको जो मिल जाती है उसका लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उस धातु का मत लगाना लोहे का, क्योंकि उसमें जंग लग जाता है, क्योंकि हमारा स्टीम जो है वो पानी बन जाता है ठंडा होने पर। यहाँ पर देख सकते हो तो मैंने इस टाइप का गोल टुकड़ा कट कर लिया है, और एक और मेरा आइडिया है माइंड में, आप इसकी जगह पर 1 या 2 रुपये का जो सिक्का होता है वो भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर इसको चिपकाने के लिए, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेगा। लेकिन ध्यान रखना उसको घिसोगे उसके बाद लगाओगे तो शायद वो जंग लग जाए, लेकिन नहीं लगेगा, उसमें जंग नहीं लगता है, केसों में जंग नहीं लगता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। तो इस टाइप से यहाँ पर इसको चिपका देंगे ऊपर की साइड में। अब जो हमारा पिस्टन है उसको हमें क्या करना है, पीछे की साइड में मैंने एक बटन टाइप का लगवाया था, इसको हम यहाँ बीच में से कट करके हटा देंगे आधा हिस्सा। तो यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ इसको, तो देख सकते हो मैंने आधा हिस्सा कट करके हटा दिया है, और बीच में एक होल कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से होल करना है हमें पिस्टन के पीछे की साइड में। अब जो हमारा क्रैंकशाफ्ट के नीचे की साइड में एक रॉड लगी हुई थी, ये मैंने निकाल लिए, और इसके पीछे की साइड में आपको देख सकते हो यहाँ पर एक होल हुआ लगा हुआ है, तो इसको हम कट कर देंगे क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हमें, और इसको हम शेप देंगे घिस कर। देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस टाइप की इसको शेप दे दी है, और बीच में एक होल भी कर दिया है, थोड़ा पतला कर दिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी मोटी साइज का था तो इसको पतला करना होगा आपको। जो हमारा और नट बोल्ट लेने हैं आपको छोटे वाले यहाँ पर इस टाइप से, और जो हमारा पिस्टन जो है उसके पीछे की साइड में इसको लगाना है इस टाइप से, देख सकते हो आप जिसे मैं लगा रहा हूँ। और नट बोल्ट को ज़्यादा टाइट नहीं कसना है आपको, ढीला ही रखना है इस टाइप से, देख सकते हो ये फ्रीली मूव करना चाहिए ऊपर नीचे की साइड में। और अब बोलोगे कि ये नट बोल्ट निकल जाएंगे, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर सुपर ग्लू की एक हल्की से बूंद डाल दीजिए ताकि ये निकलेगा नहीं। इसके बाद देख सकते हो हमारा जो सिलेंडर है इसके पीछे वाला भाग चिपक चुका है, और जो हमारा गाइडर है वो भी चिपक चुका है यहाँ पर इस टाइप से।
अच्छे से लग चुका है। अब यहाँ पर मैं एक कॉपर का पाइप यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको एसी रिपेयरिंग की जो शॉप होती है वहाँ पर इजीली मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलता है तो आप एंटीना का जो पाइप होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर थोड़े मोटी साइज़ का ले लेना यहाँ पर आपको, ताकि हमारा जो गैस का पाइप है जो हम इसके अंदर पाइप देंगे स्टीम का, वो आसानी से लग जाएगा यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, कोई सी भी ऐसी रोड लेनी है, उसके ऊपर सैंड पेपर रखना है, और सैंड पेपर के बाद में यहाँ पर इस टाइप से आपको घुमाना है इसको, जाके इसमें कर्व साइड आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर इस टाइप से इसको चिपका देना है। तो आप चिपकाने के लिए सुपर ग्लू का यूज़ करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सुपर ग्लू का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं ताकि ये अच्छे से टिक जाए। और यहाँ पर एक नट बोल्ट भी लूँगा मैं, इसको भी यहाँ पीछे की साइड में चिपका दूँगा सुपर ग्लू से पहले। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसे एरो लाइट से, एरो डाइट से जो भी है उससे चिपका दूँगा अच्छे से। तो यहाँ पर अगर हम डाइट एरो लाइट से इसको चिपका दें तो ये हिल जाएगा अपनी जगह से, तो इसे हिलने से बचाने के लिए हमारे सुपर ग्लू से मैंने चिपकाया था। और ये सूखने के बाद इस टाइप से देख सकते हो मजबूत हो चुका है। और हमारे जो लाइनर है इसमें इस टाइप से हम लगा देंगे, और देख सकते हो हमारा जो ऊपर जो हमने कॉपर पाइप लगाया था और ये जो होल दिख रहा है आपको, ये तीनों मिलने पर हमारा जो इस सिलेंडर और पिस्टन के अंदर हमारा प्रेशर चला जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों होल को मिलाना है, और मिलाने के बाद इसके यहाँ पर एक मार्किंग लगानी है लाइनर के ऊपर कि ये कहाँ पर मिल रहा है जो एंड भाग है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें एक ब्रेकर बनाएंगे इसका, ताकि इससे आगे की साइड में ना जा सके। तो यहाँ पर मैं कॉपर का या फिर कोई सा भी वायर ले लीजिए आप, ठीक है। तो कॉपर का लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर दूसरा लोगे तो उसमें जंग भी लग जाएगा, कोई एल्यूमिनियम का होगा तो वो चिपकेगा नहीं ढंग से। तो इस टाइप से यहाँ पर लेने के बाद इसको एक रिंग टाइप का बनाकर इसको सुपर ग्लू से चिपका देंगे हम। तो गाइस यहाँ पर हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर इस टाइप से डालेंगे तो ये देख सकते हो ब्रेकर टाइप का बन चुका है, इसमें आगे साइड में नहीं सरकेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसमें ब्रेक लग, ये यहाँ पर टिकते से हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये हमारा जो लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है, हमारा प्रेशर अंदर की साइड में चला जाएगा। अगर इसको पीछे की साइड में करेंगे तो ये जो प्रेशर है वो बाहर की साइड में निकल जाएगा हमारा सिलेंडर और पिस्टन का। अब यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा यूज़ कर रहा हूँ मैं, बीच में मैंने एक होल कर दिया इस टाइप से बड़ी साइज का। ये होल क्यों किया है मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा। एक ऊपर साइड में भी एक होल कर दिया मैंने। अब हमें यह करना है जो हमारा पिस्टन और सिलेंडर इन दोनों को सेट कर देना है यहाँ पर। तो ऊपर वाले जो होल में यहाँ पर हमने नट बोल्ट लगाए थे उसको नीचे से डाल देंगे यहाँ पर। और ये जो बड़ा वाला होल है, इस होल को इसलिए किया मैंने यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मैं एक क्या करूँगा कि हमारे जो होती है नट बोल्ट जो होते हैं उसको कसने के लिए हमें स्पेस मिल जाएगा एक कि हमें यहाँ पर कस सकेंगे। अगर ये होल नहीं होगा तो हमें कसने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको सेट करना है कि इस टाइप से इसको, तो देख सकते हो ये अगर टेढ़ा हुआ गाइस तो ये चलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो आपको सबसे पहले इसको सेट करना है, उसके बाद यहाँ पर इसको कसना है मार्किंग लगाकर, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर इसको कस देता हूँ मैं। अब यहाँ पर इस टाइप से नट और वाइसर का यूज़ करेंगे, बोल्ट और वाइसर का, नट वाइसर बोल्ट। अब यहाँ पर देख सकते हो एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है मैंने, उसको आधे चांद जैसा जो शेप है उसको कट कर दिया है। तो ये आपको लकड़ी का यूज़ कर सकते हो आप, प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हो, आपको जो मिल जाती है एमडीए बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो आप। और इसकी जो मोटाई है वो आपको इसी हिसाब से रखनी है कि जो आपने लाइनर और जो गाइडर के बीच में जो होल किया था उसके पीछे की साइड में जो कट लगाया था उसके जितना गैप होगा उतना यहाँ पर गैप रखना है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से जो आप कट लगाओगे उस हिसाब से ही रखना है आपको। तो यहाँ पर ये इस हमारा जो वाल्व है उसको पीछे की साइड में पुश करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो वाल्व मैंने सेट कर दिया, क्योंकि वाल्व को सेट करना ही सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर। हमारा स्टीम इंजन पूरा बन जाएगा लेकिन वाल्व अगर हमारा काम नहीं कर रहा है तो हमारा पूरा स्टीम इंजन बेकार है, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए मैं कैसे समझा रहा हूँ कि ये हमारा जिस देख सकते हो जब हमारा क्रैंकशाफ्ट घूमेगी उससे क्या होगा कि हमने जो यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा लगाया था वो हमारी शाफ्ट को पुश करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखी है यहाँ पर देख लीजिए आप। तो ये हमारे इस टाइप से पुश करेगा इसको, और पुश करने से बाद क्या होगा कि ये हमारा वायर कनेक्टर के द्वारा मैंने एक और दूसरा वायर कनेक्ट कर रखा है यहाँ पर देख लीजिए आप। और यहाँ पर मैंने इसको इसलिए कर दिया क्योंकि यार इसको सेट करना है सबसे बड़ी बात होती है। मैं कैमरा चालू करके और इन सब के सामने इसको नहीं सेट कर पा रहा था, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे करता सेट तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। आप सभी को पता है कि 6-7 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, ये इसी के कारण नहीं आ पा रही थी क्योंकि सेट नहीं हो रहा था कैमरे के सामने, इसलिए मुझे कैमरे से ऑफ कैमरे के बाद इसको सेट करना पड़ा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप काफ़ी ईजी है इसको सेट करना लेकिन कैमरे के सामने नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देख सकते हो क्या है, मैंने कुकर के अंदर पानी ले लिया थोड़ा, और इसके बाद जो हमारा देख सकते हो यहाँ पर ऊपर जो ढक्कन है इसके ऊपर यहाँ पर मैंने नली लगा दी है इस टाइप से। और अब यहाँ पर इसको गर्म करेंगे, इसके अंदर स्टीम बनेगी और स्टीम के बाद हमारा इंजन चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चूल्हा जो होता है इसका मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इसके भाप बनाने के लिए। तो इसको यहाँ पर इस टाइप से पैक कर देंगे, उसके बाद इसको इस टाइप से रख देंगे। इसको चालू कर देता हूँ मैं, तो ये हमारा चल चुका है। अब यहाँ पर हमारी जो पाइप है उसको लगा देंगे इस टाइप से ताकि इसमें भाप मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका भाप बनने का इंतज़ार करना होगा। जब तक भाप नहीं बनेगी ये चलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो पानी गर्म होएगा उसके बाद भाप बनेगी और इस नली के द्वारा इस पिस्टन सिलेंडर तक मिलेगा हमारा भाप प्रेशर, और उसके बाद ये जो पहिया है चक्का है ये चलेगा और इसके द्वारा ये पूरा काम करेगा। तो देख सकते हो ये हमारा स्टीम बनने के बाद चलना चालू हो चुका है और धीरे धीरे ये स्पीड पकड़ना चालू हो चुका है। लेकिन अभी इसकी स्पीड फुल नहीं है यहाँ पर, धीरे धीरे आप वीडियो को देखिए आपको मज़ा आ जाएगा इसकी स्पीड पूरी देखकर। मैंने अभी इसकी स्पीड कम कर रखी है यहाँ पर क्योंकि मैंने गैस की चाल को कम कर रखा है यहाँ पर। तो फाइनली क्या हुआ था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चूल्हा है इतनी ज़्यादा स्टीम नहीं बना पा रहा था ताकि इसका प्रेशर बने। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि घर का जो चूल्हा होता है गैस होता है वो यहाँ पर लेके आया हूँ मैं और यहाँ पर इसको लगाया है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है ये फाइनली। और इसका जो साउंड सुन के अभी आपको मज़ा आ जाएगा, इसका साउंड इस टाइप से रियल जैसे कोई स्टीम इंजन चलता है ना, जैसे भाप का इंजन चलता है उस टाइप का इसका साउंड है। और मैं आपको यहाँ पर कैमरे को थोड़ा हटा के दिखा देता हूँ, इसका जो वाल्व हो किस टाइप से वर्क कर रहा है आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे देख सकते हो क्रैंकशाफ्ट चल रही है तो हमारी जो वाल्व को पुश कर रही है वहाँ पर, और पुश करने पर हमारा जो भाप आ रहा है इसकी नली के अंदर से देख सकते हो यहाँ पर। और ये जो वाल्व के द्वारा इस पिस्टन और सिलेंडर को मिल रहा है यहाँ पर, हमारा जो सिलेंडर है उसके अंदर जाता है प्रेशर, उसके बाद जो हमारा पिस्टन उसको पीछे की साइड में फेंकता है, ठीक है। और पीछे फेंकने के बाद जब हमारा आधा सर्किल होता है उस टाइम पर ये वाल्व बंद हो जाता है और हमारा जो सिलेंडर है उसको डायरेक्ट कर देता है यहाँ पर वाल्व, ताकि हमारा जो प्रेशर वो बाहर की ओर निकल जाए। और ये हमारा जो फिर वापस हमारा पिस्टन है वो आगे साइड में मूव करता है और वापस पीछे की साइड में, जो ये हमारा सर्किल है वो बार बार घूमता रहता है इस टाइप से, ठीक है। तो देख सकते हो हमारा, अब मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊँगा यहाँ पर, तो आप इसका साउंड सुनिए आपको मज़ा आ जाएगा इसका साउंड सुनकर। तो भाई ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और यार इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी तो यार एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो मिलता है एक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडीज़।